मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ्स क्लास सेकेंड चैप्टर 10 मेजर्स ऑफ कैपेसिटी रिवीजन। बेटा आपने ये वीडियो वर्क चैप्टर पहले भी किया बेटा, और 136 पेज रिवाइज टुडे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, इफ ए बकेट कैन होल्ड 60 कप्स ऑफ वाटर। अगर एक बकेट, एक बाल्टी में बेटा 60 कप ऑफ वाटर आता है, 60 कप ऑफ पानी आता है, तो द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज, तो उस बाल्टी की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कितने कप पानी की है? 60 कप्स। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है उसकी? 60 कप्स। इफ 12 ग्लासेस ऑफ वाटर इज रिक्वायर टू फिल ए जग। अगर बेटा 12 ग्लास पानी की जरूरत होती है एक जग को भरने के लिए, द कैपेसिटी ऑफ द जग इज, तो उसके अंदर जो क्षमता है वो कितने ग्लास की क्षमता है बेटा? 12 ग्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट है, ए वाटर टैंक कैन कंटेन 200 लीटर ऑफ वाटर। बेटा एक पानी का जो टैंक है उसमें 200 लीटर पानी आता है। द कैपेसिटी ऑफ ए बकेट इज 20 लीटर, और एक बाल्टी की जो क्षमता है वो है 20 लीटर पानी आने की। तो हाउ मेनी बकेट ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, तो हमें कितने बाल्टी पानी चाहिएगा उस टैंक को भरने के लिए? तो हम इसको क्या करेंगे, 20 कितने लीटर जो बाल्टी है, एक बकेट की जो क्षमता है बेटा वो 20 लीटर है। ठीक है, तो हम कितने बाल्टी पानी उसमें डालेंगे कि वो वाटर टैंक फिल हो जाए 200 लीटर पानी से? तो इसमें कितना होगा बेटा, 10 बकेट्स, बिकॉज 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200। तो 200 लीटर ऑफ पानी कितने, 10 बाल्टियों में जब हम 10 बाल्टी पानी डालेंगे उस टैंक में, तो वो 200 लीटर जो है वो वाटर टैंक फिल हो जाएगा उस पानी से। नेक्स्ट है, ए बॉटल कंटेन्स 2 लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक। एक बॉटल में बेटा 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक आती है, जो हमारे पास ऑलरेडी होती है ना ऐसी बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक वाली, वो 2 लीटर में कोल्ड ड्रिंक आती है। द कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास इज 200 ml, और एक ग्लास की क्षमता है 200 ml आने की। तो हाउ मैनी ग्लासेस आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी बोथ, तो हमें कितने ग्लास चाहिएंगे बेटा उसको, दोनों को खाली करने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 10 ग्लासेस तो 2 लीटर की बॉटल जो है उसको ही खाली करने में हमें चाहिएंगे, और ना दोनों को खाली करना है, तो एक ऑलरेडी जो ग्लास, द कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास इज 200 ml, तो हम कितने, 11 ग्लासेस इज आवर आंसर्स। 1 लीटर 500 ml में कितना ऐड होगा कि 1 लीटर बन जाएगा बेटा, 500 ml, और 1 लीटर 200 ml प्लस डैश प्लस 500 ml, तो 300 ml हम ऐड करेंगे, तो 500 500 1 लीटर हो जाएगा, और 5 200 ml, 5 जो है वो 200 ml बार होगा, तो 1 लीटर बन जाएगा। तो आपने बेटा इस पेज को अपने रफ नोटबुक में रिवाइज करना है, आपने इसके और भी उस चैप्टर को, आपने मेजर्स ऑफ कैपेसिटी आपने बेटा बहुत अच्छे से, आगे जो पेजेस हैं वो बहुत ध्यान से उनको रीड करना है, और आपने इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बना के रिवीजन करनी है। थैंक यू।